आज हम इसके अंदर क्या आर पार की चीज कर रहे हैं भाई, जैसा हमने थंबनेल में दिखा दिया है। फर्स्ट टाइम इंडिया समझ लो या कुछ भी समझ लो, वैसे भी फर्स्ट टाइम इंडिया तो हमने ही करा है। अच्छा टॉप मॉडल में आता है इसमें? टॉप मॉडल में भी नहीं आता भाई। नहीं आता ना? नहीं भाई, देख रहे हो मतलब जो चीज कंपनी नहीं दे रही है वो फील भाई देंगे। हाँ जी, है ना। तो भाई आज इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं क्रूज कंट्रोल और वर्किंग में चेक भी कराएंगे हम, है ना। तो भाई कैसे होगा? अभी खाली है। अभी देखो भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है और मीटर वगैरह सब इसके जैसा आता है कंपनी से वो है। ये वेरिएंट कौन सा है भाई? स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स है ना। स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर भाई ने जो काम करा रखा ना भाई, वैसे तो आर पार का है। आप बोलोगे तो मैं वीडियो अलग से निकाल दूंगा इसकी, बाकी जो मेन है ना वो इसलिए है, पहले मैंने एक ऑरा की वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने क्रूज कंट्रोल चालू किया था। नाउ हम नियोस में चालू करेंगे तो ये वाला जो ऑप्शन है हम खाली कर देंगे। विद हुंडई का जेन्युइन प्रोडक्ट लगाएंगे इसके अंदर। और ये देखो ये मीटर है कुछ इसका, इसके अंदर देखो क्या चीज लिखी आती है, वहां पे शो करेगा या चलेगा या स्पीड कैसी मेंटेन होगी, वो सारी चीज आपको दिखाऊंगा। तो राम भाई कैसे कैसे रहता है इसके वैसे? भाई इसके अंदर मीटर में शो भी करेगा और वर्किंग पूरा रहेगा। अच्छा ये पेट्रोल वेरिएंट है, सीएनजी वेरिएंट नहीं है अपना, है ना। सीएनजी नहीं होता, सीएनजी में भी वर्क करेगा पर शो नहीं करेगा। शो नहीं करेगा। एक बार आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन करो और कितनी देर में स्टार्टिंग मतलब हो जाएगा टोटल काम? 10 मिनट में काम कंप्लीट। 10 मिनट में कर दोगे? बहुत मिनट भी जाता है भाई। उसके बाद बात करेंगे हम प्राइसिंग के बारे में, आप लग जाओ भाई, उसके बाद बात करेंगे हम प्राइसिंग के बारे में। खोलो इसको और कर दो अपनी गाड़ी में। सबसे पहले आपको करके दिखा रहा हूँ, कोई कस्टमर नहीं कोई कुछ नहीं है, गाड़ी अपनी ही है। अगर जो भाई मेरे भाई लोग हैं ना वो सब जानते होंगे और कमेंट कर देंगे गाड़ी किसकी है, नंबर देख लो भाई किसी गाड़ी है, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया में किसी ने गाड़ी रैप करा रखी है, वो भी इस कलर में। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो भी ब्लू है, बट नाउ ये पता नहीं कौन सा ब्लू है, मुझे नहीं पता कौन सा ब्लू है भाई। सैटन ब्लू है, ये सैटन ब्लू है। तो भाई ये कलर में आपको जो मिल रहा है ना, क्योंकि देखो गाड़ी इस तरह की है तो हमें फीचर भी अलग वाला चाहिए। तो आज पहली बार नियोस के अंदर हम इंस्टॉल कर रहे हैं क्रूज कंट्रोल। तो भाई ये वाला है अपना जेन्युइन वाला पार्ट और ये है अपना क्रूज कंट्रोल वाला पूरा ऑप्शन, जो कि भाई चेंज कर देंगे इसको और काफी अच्छा है ये वाला। अपना यहाँ से ना सारे मैनेज कर देंगे, कोई ऐसा जुगाड़ वाला सीन नहीं है जैसे कंपनी में आपको मिलता है, सेम एज इट इज वैसा है। वैसे ये चीज आपकी ना ऑरा में आती है, है ना। तो ऑरा वाले को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में फिट करेंगे या कैसे करेंगे भाई ने, मतलब कैसे करेगा, लेकिन आज हमको चालू मिलेगा नियोस के अंदर। आप लोग देखना बस कि कैसे चालू हो रहा है। और आपको अगर ये चीज़ इंस्टॉल करनी है ना, साइड में राम भाई का नंबर आ रहा है, कॉल कर सकते हो जिसके पास भी है, चाहे उसकी सीएनजी है पेट्रोल है जो भी है, आप लेके आ सकते हो, उसमें क्रूज कंट्रोल चला सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है जब आप लंबे ट्रिप पर कभी जाते हो तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फील देता है आपको। एक सेट स्पीड करके आपको पैर मतलब परेशान नहीं होगा, ले जा सकते हो भाई। ये ऑटोमेटिक पे चल जाएगा? ऑटोमेटिक पे भी चल जाएगा, लो और बढ़िया बात है। और दूसरा वाला दिखाना भाई इसका, ये वाला है इसका अपना मेन वाला जो हमारा पहले से आ रहा था कॉल वगैरह उठाने के लिए। तो हम ये दोनों ही चेंज करवा रहे हैं, इसका दोनों साइड की चेंज हो जाएंगे, बढ़िया है। राम भाई यार एक बात बताओ, इसमें जो अपना जो भी हम करेंगे सारा कुछ प्लग इन प्ले होगा आपके सामने? कोई वायर कटरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं ना नहीं। बस भाई मेरे को ये चीज पूछ रही थी कि आप ये चीज जो लगा रहे हो उसमें कभी ऐसा हो कि कोई भाई कहता ना कि मेरी वारंटी जा रही है ऐसा कुछ हो रहा, तो वो चीज नहीं होगी। आपका सारा काम जो भी है पहले भी प्लग इन प्ले करा था भाई ने ऑरा के अंदर, और वो वीडियो तो मैंने शूट भी नहीं करी थी, भाई ने मेरे को करके दी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं डालते हैं उससे। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, होप कि इस वीडियो पे आप और ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स दिखाओगे। तो ये तो भाई चीज है एक नंबर, मतलब मजा आ जाना अगर मेरी स्विफ्ट के अंदर भी ये चीज बहुत जल्दी लग जाना तो भाई मैं तो तुरंत ही लगवा लूंगा। बाकी आप लोगों के पास आपकी किस्मत है भाई, नियोस वालों को भी ऑप्शन मिल रहा है तो आप लोग आओ और इंस्टॉल करा सकते हो भाई। सो गाइस फाइनली देखो भाई लग चुका है यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और अपनी नियोस है, देखो यहाँ पे लिखा भी है i10 नियोस। और ये देखो यहाँ पर ना आपके मीटर पे भी शो करेगा इस वाली गाड़ी के ना, करना भाई कहाँ पे लिखाएगा? और जो साइड में लिखा रहा है वो देखो भाई क्रूज साइड में लिखा भाई, बंद करना इसको एक बार, ये बंद हो गया और ये दोबारा चालू करना, ये चालू हो गया। अभी मैं इसको ना टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, एक स्पीड मेंटेन करेंगे भाई, पहले पैक कर दो इसको आप, और पैकिंग के बाद आपको ना रोड पे स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि गाड़ी जो अपनी वो कितने की स्पीड से होती है भाई मेंटेन? 30 के बाद, 30 के बाद हो जाती है भाई। ये देख रहे हो कितनी अच्छी बात है कि अब इस गाड़ी के अंदर वो फीचर आ गया जो कंपनी भी आपको फीचर नहीं देती, बट नाउ वो फीचर इस गाड़ी के अंदर अब आ चुका है। और इवन यहाँ की बात करूँ तो ये देखो भाई लाइटों में बटन भी जल रहे हैं इसके, अगर बटन में लाइटें भी जल रही है इसकी बात करें तो। अब चेकआउट करो भाई, ये देखो दोनों साइड जहां पर नहीं फील था ना वो फील आ चुका है दोनों साइड में, बस इसका हॉर्न वाला फिट करो फिर उसके बाद फील दिखाते हैं रोड पे चला के। भाई अब देखो गाड़ी हमारी जो चल रही है वो चल रही है 25, 26 और ये 30 हो गई भाई, करना एक बार क्रूज दबा दो, हो गया 32 से मेंटेन, 32 हो गया भाई, पैर हटा दिया भाई ने, ये स्पीड बढ़ रही है साथ में। ये देखो एक चीज मेंटेन करिए भाई किसी भी एक रेस पे, पैर रखने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो यहीं से काम कर रहा है भाई, देख रहे हो कुछ नहीं करना पड़ रहा, भाई ने पैर भी हटा दिया नीचे से और फिर भी अपना यहाँ पे देख रहे हो मेंटेन है पूरा। देखो भाई 41 और पैर हटा हुआ है, जादू है ये तो भाई, 41 की स्पीड भाई 30 पे करना इसको, कम करना 30 कर दो,
कम भी हो रही है, बटन से सारा कुछ आप मेंटेन कर सकते हो, बढ़िया काम कर रहा है भाई ये तो। ये देखो, और 30 के नीचे जैसे आएगा क्रूज अपने आप कैंसिल हो जाता है भाई, 30 के हटाना पड़ेगा ना, ब्रेक मारोगे जब हटेगा भाई, वैसे नहीं हटेगा। अच्छा ब्रेक मारती हट जाएगा, अब हट गया। अच्छा फिर दोबारा सेट करना है, ये भी बढ़िया चीज है, ये सेट हो गया। अच्छा ये बढ़िया चीज है भाई, देख रहे हो भाई आप लोग, मतलब बोलोगे कि भाई साहब चीज लगा दी है। अब आप चेक करना भाई बटनों के साथ कैसे भाई इसको मेंटेन करेंगे और कैसे चलाएंगे देखना। ये लो ये भाई ने क्रूज दबा दिया अपना, वहां पे लिखा आ गया क्रूज। अब नीचे से भाई ने पैर हटा देना है, भाई पैर हटा देना, अब स्पीड यहाँ से बढ़ाते रहनी है। चल रहा है भाई, चल रहा है, एक नंबर पैर हटे हुए 60 तक ब्रो, मजा आ गया। एकदम सोचा था कभी आपकी गाड़ी के अंदर ये फीचर आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के टॉप मॉडल में भी नहीं था। मैंने तो बहुत था क्रूज का बड़े टाइम से ना, ठीक है अब आ भी गया। दूसरी गाड़ी में इसमें है नहीं, मेरा मन करता है। आपके पास दूसरी होंडा सिटी है ना भाई? हाँ जी हाँ जी, होंडा सिटी है, उसमें है और इसमें भी ये फीचर आपको मिल गया है। अरे क्या बात है, बाकी आप लोगों का भी वेट हो रहा है, और वेट में क्या करना है आप लोगों को क्या करना है, सीधा करना राम भाई को कॉल। राम भाई जी भैया, भाई ऑलवेज वेलकम करना अपने कस्टमर्स का जो भी हमारे पास क्रूज कंट्रोल करने आएंगे। और जो प्राइसिंग की बात करूं, इतने बढ़िया प्राइस में भाई, आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना, भाई आपको प्राइस बता देंगे। इस चीज के लिए प्राइस जो बहुत ज्यादा वर्थ है, क्योंकि जो चीज कंपनी भी आपको प्रोवाइड नहीं करती है, वो राम भाई आपको आफ्टर मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं विद जेन्युइन हब के साथ। जेन्युइन चीज है ना भाई, सारी जेन्युइन है भैया, सब जेन्युइन हुंडई है। मैंने आपको बॉक्स भी दिखाया था, इवन यहाँ पीछे पड़ा भी है, हुंडई जेन्युइन पार्ट ऑटोमेटिकली लेता ही नहीं, लेता ही नहीं है। बिल्कुल सही, आफ्टर मार्केट में काम ही नहीं करता, जेन्युइन में ही काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज है भाई ये वाली जो भाई ने करके दी है ना अभी। मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट जो हुआ है ना इस गाड़ी के अंदर काम, भाई आप लोगों बस कमेंट करके बताना है और भाई को करना सीधा कॉल। अगर आप किसी भी कोने से हो, आपको गाड़ी लेके आना पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं हम फोन पे बता देंगे, नहीं भैया करोल बाग लेके आना, करोल बाग दिल्ली में ही आपको आना पड़ेगा। आपको कैसे भी करके आप यहाँ से आ रहे हो, आसपास से जा रहे हो, विद इन हाफ एन आवर भाई आपको ये चीज करके देंगे। लेकिन पहले कॉल करके आना भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई के पास हो सकता है कि क्रूज का ऑप्शन खत्म हो रखा हो उस टाइम पर ना, तो भाई उस दिन मैनेज ना कर पाए, लेकिन कॉल करके आओगे। वैसे स्टॉक बहुत है, भरपूर स्टॉक है, बट फिर भी आप कॉल करके आना, क्योंकि पता नहीं कितनी गाड़ी को ना इंस्टॉल, भाई अभी 100+ गाड़ी को ना भाई इंस्टॉल कर चुका है, बट हमने जो वीडियो दिखाई है वो आपको इस गाड़ी की दिखाई है, ताकि हमें पता चले कि पेट्रोल में तो देखो लिखा भी आता, सीएनजी भाई लिखा हुआ नहीं आता स्क्रीन पे, बस सीएनजी पे लिखा हुआ नहीं आएगा, वर्किंग पूरा है, ठीक है वर्किंग पूरा है। ब्रेक दबाती है आपका क्रूज कैंसिल हो जाता है वापस से, भाई आपको चलाना आ गया सर्थ भाई, भाई पहले से आता है, पहले से मतलब वैसे आपको इस गाड़ी का चलाना आ गया ना, जैसे ऑप्शन सेम काम कर रहे हैं जैसे होंडा सिटी में काम करते थे, ऐसा तो नहीं कुछ जुगाड़ वाला ऑप्शन, कुछ सेम एकदम फुल सेम बढ़िया चल रहा है ना। चलो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को। बाकी आपने विजिट करना है सीधा भाई के नंबर पे और व्हाट्सएप करना है, और ये चीज इंस्टॉल करवा लेनी है।